जी ग्रेट कंफर्म करें आवाज एंड स्क्रीन शेयर है yes, yes, okay. अच्छा इस तरह से है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कंटेंट राइटिंग कंप्लीट कर ली थी और उसकी रिकॉर्डिंग्स जो है मैंने आज ही अपलोड कर दी थी तो उनको आप देख लीजिएगा और कोई भी पॉइंट अगर क्लियर ना हो तो आप हम सिर्फ कर सकते हैं और साथ साथ प्रैक्टिकल वे से आप चलें ठीक है और ये लास्ट में मैं आपको असाइनमेंट अजाइन करूँगी नेक्स्ट वीकेंड की तो वो आपने परफॉर्म करके मुझे सबमिट करवानी है बिकॉज एक दफ़ा अगर लेट्स पोज कि आपकी कॉन्टेंट राइटिंग आपसे आपके हाथ से प्रैक्टिकल वे से गुजर जाए ना तो उसका ये आगे जाके बेनिफिट होगा डेफिनेटली जो भी प्रॉब्लम्स uh, होंगी आपकी कॉन्टेंट राइटिंग में uh, वो मैं आपको फिर बता दूंगी कहाँ पर आपने मिस्टेक्स की हैं तो so, ये आपके लिए बेनीफि इनशाला डेफिनेटली बेनिफिशियल प्रूफ होगी बाकी ये कि अभी मैं आपको बताऊंगी हमने शिपमेंट क्रिएट करनी होती है उसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है सपोज कि हमने शिपमेंट क्रिएट करने के लिए मैनेज इन्वेंट्री में जाना है अभी हमारा डमी अकाउंट है यहाँ पे एक्टिव कोई लिस्टिंग नहीं है सपोज कि यहाँ पे कोई एक्टिव लिस्टिंग हो तो आ, उसको आपने जिस भी लिस्टिंग पे आपने शिपमेंट क्रिएट करनी है ना आपने उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है ठीक है अभी उसको सिलेक्ट करने के बाद जो इन्फॉमेशन इनकोड करनी है आपने वो आ, मैं आपको गाइड कर देती हूँ लेट्स सपोज कि आपने क्या करना है शिपमेंट को क्रिएट करते वक्त आपने क्या करना है कि मैनेज इन्वेंट्री में जाके और कोई भी जो भी आपने डिस्टिंग के लिए आ, जो जिस भी प्रोडक्ट के लिए आपने शिपमेंट क्रिएट करनी है उसमें आपने सेंड रिप्लानिश इन्वेंट्री का ऑप्शन होगा अब यहाँ पे आपने करना क्या है कि वो इन्फॉर्मेशन पुट करनी है जो आपका सप्लायर प्रोवाइड करेगा डेफिनेटली uh, आपका सप्लायर जो है वो चाइना से बिलोंग कर कर रहे हैं और चाइना में uh, आपने जो प्रोडक्ट की सोर्सिंग करवानी होती है वो शिपमेंट करवानी होती है चाइना से चाइना का ही कोई सप्लायर होगा ठीक है अब आप क्या करेंगे कि सप्लायर से वो एड्रेस प्रोवाइड करेंगे अमेजोन को ठीक है और ये नाउ चूज़ इंडिविजुअल और केस पैक अब ये थोड़ा सा मैं आपको गाइड करूँगी इंडिविजुअल और केस पैक क्या है बेसिकली लेट्स सपोज के देखिए इंडिविजुअल और केस पैक में डिफ्रेंसीशन क्या है अभी इंडिविजुअल मिसाल के तौर पर जो हमने शिपमेंट के दौरान पैकेजिंग करवानी है ना वो इंडिविजुअल और केस पैक हो सकती है इंडिविजुअल से मुराद के एक ही कॉटन सप्लायर एक ही, ही बॉक्स सेलेक्ट करेगा और उसी में अगर हमारी वेरिएशन वाली प्रोडक्ट्स भी हैं तो उस तमाम डिफरेंट एसकेयू या डिफरेंट कंडीशंस वाली प्रोडक्ट एक ही बॉक्स के अंदर जो है ना उसको यानी कि ऑर्गेनाइज करके हमें भेज देगा शिप कर देगा लेकिन केस पैक में ये चीज़ आ जाती है कि लेट्स सपोज इसमें एक वो लाइज रखी जाती है और इसमें यानी कि एस के यू जो है ना वो मैच नहीं होते एस के यू डिफरेंट एस के यू जो है ना डिफरेंट ये बॉक्सेस में रिटेन किए जाते हैं ताकि प्रोडक्ट्स मिक्सअप ना हों इट्स मीन मिसाल के तौर पर सपोज यहाँ पे मैं आपको ये भी क्ल्यू बताती चलूँ कि आपने जब शिपमेंट करवानी है तो आपने केस पैक को प्रेफर करना आपने सप्लायर को कहना कि केस पैक में सपोज कि आप 300 डॉलर की तीन थ्री हंड्रेड पीस आप शिप करवा रहे हैं ना चाइना से तो आपने डेढ़ सौ डॉलर ही एक केस पैक में और डेढ़ सौ एक में यानी कि इक्वल अमाउंट में आपके दो बॉक्स जो हैं वो रेडी करें सप्लायर बिकॉज आगे जाके ऐसा होता है कि अमेजोन उस यानी कि शिपमेंट को एक्सेप्ट करता है जिसमें इक्वलाइज नंबर हो ठीक है अगर लेट्स पोज के टू हंड्रेड इसमें और वन हंड्रेड इसमें पीस होंगे ना तो अमेजोन इसको एक्सेप्ट नहीं करता सो so ये डेफिनेटली आपको खुद गाइड करना पड़ता है सेंड रिशन वनट्री में इंडिविजुअल केस पैक डेफिनेटली अभी केस पैक पर कन, अ, कन, अ, क्लिक करके तो आपने नेक्स्ट क्या करना है कि अब आप वो आपसे रिक्वायर करेंगे ये इंफॉर्मेशन कि Uh, कितने केस कॉटन हैं और एक केस कॉटन में कितने uh, यानी कि कितने यूनिट्स आ रहे हैं पर यूनिट पर पुट uh, यूनिट पर के, केस यानी कि के एक कॉटन अगर uh, आप करवा रहे हैं तो उसमें कितने यूनिट्स आ रहे हैं कितने पीस आ रहे हैं और नंबर ऑफ केसेस आप कितने करवा रहे हैं लाइट सपोज दो केस करवाए हैं आपने या तीन केस कॉटन आपने बुक करवाए हैं कितने करवाए हैं वो आप नंबरिंग अजाइन करेंगे नाउ अमेज़ॉन प्रिपेयर हो नाउ अमेज़ोन आस्क हू प्रिपेयर यानी प्रिपेयर कौन इसको करेगा डेफ़िनेटली अगर तो हम सप्लायर को दें अगर तो हम अमेजोन को देंगे ना तो ये हमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा पड़ता है सो डेट्स वाई हम ये प्रिपेशन जो है अमेजोन को नहीं देते हम खुद ही कर लेते हैं या फिर अपने सप्लायर को गाइड कर देते हैं तो वो हमारी शिपमेंट uh, को क्रिएट करता है और प्रिपेयर करता है तो so, अमेजोन को हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करते उसके बाद नो एमेज़ोन नाव अमेज़ॉन आस्क यू अब अमेज़ोन आपसे पूछेगा लेबलिंग कौन प्रोवाइड कर रहा है अगर तो लेट्स पोज आप शिपमेंट के दौरान ना आपको ऑप्शन आएगा लेबल डाउनलोड का लेबल आपने डाउनलोड करके ना वो पीडीएफ फ़ाइल सप्लायर को भेज देनी है सप्लायर क्या करेगा उन तमाम पीडीएफ फ़ाइल को लेके उनके प्रिंट लेके हर प्रोडक्ट के ऊपर लगा देगा तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली सप्लायर करता है यानी शिपमेंट में मेजोरिटी जो है ना काम सप्लायर का होता है वो आपने आपने जस्ट यानी कि उससे इन्फॉर्मेशन पूछ के और आपने इनकोड करते जाना है Uh, फिर आपने शिपमेंट को रिव्यू करना है ठीक है आपने फिर क्या करना है कि उसका शिपमेंट uh, का नेम देखना है क्या रखा है अमाउंट डेट ठीक है ये चीज़ें सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देना नेक्स्ट थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन अमेजॉन रिक्वायर करेगा कि विच शिपिंग मैथड यू आर यूजिंग सपोज के स्मॉल पार्सल डिलीवरी या लेस दैन ट्रक लोड अमेजॉन रिक्वायर करेगा कि आप एस पी डी कर रहे हैं या एल टी डी का रहे हैं एस पी डी में वो चीज़ें आ जाती हैं सपोज के जो आपने आपकी प्रोडक्ट लाइट इन वेट हो यानी उसमें किसी किस्म का देख <coughs> सकें अच्छा एस पी डी से आ, मैं आपको गाइड कर रही थी कि एस पी डी वो प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि लाइट इन वेट होती हैं जिनका कोई भी मतलब जाहिर सी बात है हमने प्राइवेट लेबल लॉन्च करना होता है तो लाइट इन वेट प्रोडक्ट के साथ चलना होता है तो डेफ़िनेटली हम ये सिलेक्ट करते हैं एस पी डी ऑप्शन अदर देन दैट ट्रक लोड का मतलब ये है कि हैवी प्रोडक्ट्स हों ठीक है और वो डेफिनेटली हम करते भी नहीं हैं तो सो इसको इग्नोर करना है हु इज़ योर शिपिंग कैरियर अब अमेजोन शिपिंग कैरियर है या फिर आप यानी अदर कैरियर्स अदर कैरियरस में यू पी सी हम क्यों, क्योंकि यू पी सी बाय करके हमने प्रोडक्ट्स पे लगाने होते हैं सो डैट्स वाई हम यू पी सी ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं उसके बाद शिपिंग पैकेजिंग में वो बताएंगे कि एक ही बॉक्स आपने सेलेक्ट किया है या मल्टीपल बॉक्स किए हैं या एवरी थिंग इन वन बॉक्स किया है डेफिनेटली हमने एवरी थिंग इन वन बॉक्स तो किया नहीं है वन बॉक्स भी नहीं किया हम मल्टीपल बॉक्स में चलते हैं क्योंकि मल्टीपल बॉक्स में मुराद के दो करें या तीन करें बॉक्स या चार करें इट्स डिपेंड्स अपॉन यू बट uh, उसमें इक्वलाइज अमाउंट होनी चाहिए ये इक्वलाइज अमाउंट होनी चाहिए प्रोडक्ट्स के पीस की uh, ये ये आप पे डिपेंड करता है कि वो आपकी मर्जी है कि आप कितने केस यूनिट करवाते हैं लेकिन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पर केस पर केस कॉटन जो है ना इक्वल अमाउंट भी होनी चाहिए उसके बाद शिपिंग जो है ना वो क्वांटिटी अब अमेजन आपसे पूछेगा कि क्वांटिटी बॉक्स क्वांटिटी बॉक्स की बॉक्स का वेट कितना है बॉक्स की डायमेंशन कितनी है वो भी आपको सप्लायर ही गाइड करता है कि बॉक्स की बॉक्स का वेट कितना है और बॉक्स का डायमेंशन कितनी है ठीक है आस्क सप्लायर वन अच्छा इसमें यह है कि आपने वीट और डायमेंशन जो है वो आपको तो नहीं आइडिया होगा ना आपने सप्लायर से पूछ के कंफर्म करके तो वो आपने पुट करनी है ठीक है क्लिक ऑन कंफर्म एंड आस्क सप्लायर वन शिप इन वेंट्री टू अमेजोन एंड इंसर्ट शिपिंग डेट और ये सप्लायर ही हमें गाइड करता है कि वो किस डेट पर शिप करवाएगा वही हमने डेट यहाँ पर पुट करनी होगी नाउ प्रिंट बॉक्स लेबल डाउनलोड पी डी एफ एंड अच्छा वो पीछे हमने जो लेबलिंग डाउनलोड करनी है शिपमेंट के दौरान वो हमारी प्रोडक्ट्स क्यों नहीं है जो प्रोडक्ट्स के ऊपर लगनी है लेकिन ये बॉक्स के ऊपर लगाने वाली लेबल्स भी हमने यहीं से डाउनलोड करने हैं और अमेजोन को हमने सप्लायर को भेज देने हैं सप्लायर ने उनके पी निकाल के और बॉक्स के ऊपर लेबल लगा देने हैं देन क्लिक ऑन कम्प्लीट शिपमेंट एंड शिपमेंट कम्प्लीट हो जाएगी ठीक है सो बताने का मकसद ये है कि शिपमेंट में जस्ट ये चीज़ें रिक्वायर होंगी जो आपसे अमेजॉन रिक्वायर करेगा और ये आपने किससे कंफर्म करके सप्लायर से कंफर्म करके ये तमाम इन्फॉमेसन इंकोड कर देनी है सो so, ये आपके जो है ना शिपमेंट इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी अभी तक यहाँ तक अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो करें देन so, हम होलसेल एफपीए मॉडल पे मूव ऑन करते हैं और इसका मैं uh, जो, जो कि हमने होलसेल <coughs> एफपीए का बेसिक्स एड uh, किया होता है सो so, उसको एलबोरेट करते हैं अस्सलाम वालेकुम मैम जी वेलकम सलाम मैम मैंने पूछ रहा था इसमें एसकेयू हम कहां से प्रोजेक्ट करते हैं एस के यू जो है ना ये हम परचेज़ नहीं करते यू पी सी हमने परचेज़ करने होते हैं लेकिन एस के यू शिपमेंट के दौरान हमें खुद ही यानी कि अपनी मर्ज़ी से एस के यू नंबर असाइन करना होता है मिसाल के तौर पर वो आप अपनी प्रोडक्ट में मिसाल फॉर uh, एग्ज़ाम्पल मेरी प्रोडक्ट का नेम है की चेन तो मैं की चेन वन टू थ्री अपनी मर्ज़ी से जो है ना उसको एक नंबर जैसे कहते हैं ना निक नेम वो मैं असाइन कर सकती हूँ तो एस के यू हमें बाय नहीं करने पड़ते ये हम प्रोडक्ट को ख़ुद अपनी मर्ज़ी से देते हैं अदर दैन डैड देखा जाए तो ये यूपीसी वगैरह जो है ना ये नेसेसरी होते हैं ये हमें नेशन वाइड डॉट बारकोड डॉट कॉम से बाय करने पड़ते हैं और मैम ये एलएलसी भी एक कंपनी होती है और एलटीडी भी एग्जैक्टली एल सी डी एल एल सी और एल टी डी दोनों कंपनी होती हैं और इनकी बेस पे हम Amazon पे वर्किंग कर सकते हैं अदर दैन डैट हम uh, यानी कि रिस्क में होते हैं तो इसके बगैर प्रफरेबल भी नहीं होता कि हम अमेजोन पे जो है ना काम करें so ये कंपनी की बिहाफ पे हमें जो है ना काम करना होता है इवन दो के अगर हम बात करें तो ये जो होल सेल होल सेल मॉडल में अप्रूवल मिलते हैं वो फिर इन्हीं इन्हीं चीज़ों के बेस पे मिलते हैं अदर दें डैड तो ब्रांड आम किसी पर्सन को कभी भी नहीं अप्रूवल देते मैं एल जो है ना ये होती है यू uh, में क्रिएट होती है और एल टी के लिए होती है एल ये दोनों कंपनीज ही हैं और कंपनीज़ की बेस पे डेफिनेटली हमें uh, ये करना पड़ता है यानी कि जो भी हम Amazon पे काम करेंगे जस्ट डिफ्रेंसीशन है कंट्री uh, बेस पे अदर देन डैट डेफिनेटली ये कंपनी आपको क्रिएट करनी होती है और ये अकाउंटेंट की चीज़ें होती हैं ये अकाउंटेंट इनको <coughs> उन्होंने अच्छे तरीके से इन चीज़ों को लेके चले होते हैं <coughs> और उनको काफ़ी आइडिया होता है इनके बारे में हम हमारे कोर्स कंटेंट में ये अकाउंटेंट की चीज़ें ऐड नहीं हैं और ना ही मतलब हमने इंक्लूड की हुई हैं ये अगर लेट्स सी के आपने इवन uh, दो हम करवा भी रहे हैं अपने अकाउंट के लिए तो अगर आपने करवाना भी हो अपने अकाउंट के लिए तो आप बता दीजिएगा हम रेफर आपको प्रोवाइड कर देंगे ओके मैम थैंक यू जी जी वेलकम और किसी का इसके रिकॉर्डिंग क्वेश्चन हो फिर हम मूव ऑन करें अली क्लास में है ठीक है अच्छा हम मूव ऑन करते हैं होल सेल मॉडल पे और उसका मैं ओवर व्यू बेसिक जो है वो आपको बताती हूँ होल सेल मॉडल और पी एल में क्या डिफ्रेंसीेशन है होल सेल में ना ये दो मॉडल्स इस टाइम पे पीक पे हैं नो डाउट ड्रॉप शिपिंग भी बहुत पीक पे है लेकिन इनमें से ज़्यादा इसको कंसिडर किया जाता है यानी कि होल सेल जो है ना हर तीसरा पर्सन का आ रहा होता है कॉमन मॉडल होल सेल है बिकॉज होल सेल पर ना कम इन्वेस्टमेंट लगती है और एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट लेवल प्राइवेट लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगाना पड़ता है बाकी ये कि अगर ओवरव्यू में बताऊँ तो लेट्स पोज के होल सेल में ये है प्राइवेट लेवल में तो ये होता है ना कि हमने ब्रांड uh, से प्राइवेट uh, लेवल में एज अ ब्रांड बिल्डिंग हमने काम करना होता है लेकिन होल में ऐसा नहीं होता होल में हमने uh, किसी ब्रांड एग्जिस्टिंग ब्रांड से अप्रूवल लेके उसी के साथ में करना होता है मिसाल के तौर पर एक छोटी सी एग्जाम्पल इनको करूँगी Uh, ताकि आपका बेसिक ओवर बन जाए फिर हम ऑन करते हैं मेन टॉपिक अच्छा यानी कि एग्जांपल uh, दे रही हूँ कि लेट्स सपोज के बेस्ट सेलर में देख लेते हैं कोई प्रोडक्ट्स हमें नजर आए यानी जस्ट ओवर बता रही हूँ वो किचन कर लेते हैं अच्छा इसमें ना ये होता है कि अब ये देखिए मैंने ना यहाँ पे सेलर सप्रेट uh, जो है एक्सटेंड ये टूल है ना उसको मैंने लॉगिन नहीं किया हुआ यहाँ पे इस गूगल uh, के आईडी पे मैंने दूसरी आईडी पे जो है ना इसको लॉग इन किया हुआ है मतलब मैंने ऐड किया हुआ है उस एक्सटेंशन को उसका फ़ायदा पता क्या होता है उसका फ़ायदा ये है कि लिस्टिंग की तमाम इन्फॉर्मेशन को <coughs> लिस्टिंग की तमाम इन्फॉर्मेशन को हमें नीचे बता देता है लेट्स सपोज कि ये देखें ये है ना और साथ ही वो नीचे यहाँ पे वो बॉक्स सा बना होता है मैं नेक्स्ट आपको गाइड करती हूँ कि वो कैसे हमें तमाम इन्फॉर्मेशन बता देता है इस सैलर की प्राइस क्या है इसका बाय बॉक्स इसका यानी कि इसकी यानी कि कितने सेलर बैठे हैं ये होलसेल सेल की प्रोडक्ट है भी नहीं? कि नहीं ठीक है तो इस तरह की चीज़ें ना हमें बता देता है अब रेंडमली कोई प्रोडक्ट उठा लेते हैं जो कि होलसेल सेल मॉडल की हो उसको फिर मैं आपको एलेबोरेट करती हूँ यानी होलसेल सेल मॉडल का पता कहाँ से चलता है कि जो सेलर मीट हो करके बैठी हों एक्ट पोस्ट किसी का देख लेते हैं मे बी ये होलसेल की प्रोडक्ट्स ना हो नहीं ये प्रोडक्ट जो है ना ये है प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट है क्योंकि मी टू लिस्टिंग अगर शो हो ना तो वो होती है हमारी होलसेल की प्रोडक्ट बाकी यह किसी और को देख लेते हैं अच्छा ये देखें ये आपको नज़र आ रहा है ना न्यू एंड यूज नाइन ऑफ़र ये शो हो रही हैं इट्स मीन कि ये होल सेल की प्रोडक्ट है और इसमें हमने ना ये इसलिए हमें आइडिया हुआ कि मैंने आगे प्राइवेट लेवल की जो प्रोडक्ट ओपन की थी वहाँ पे हमें कहीं भी ये शो नहीं हो रहा था यानी कि वो प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट थी ये ये होल सेल की है ये ये ब्रांड जो है ये इन नाइन सेलर्स को सेल आउट करने की परमिशन दे रहा है ब्रिटा ब्रांड है अब इसमें ये है कि इसमें फिर हमने ना फर्दर एनालिसिस करनी होती है इसका बाय बॉक्स ग्राफ भी हमें शो हो रहा होता है फिर फ़र्दर एनालिसिस करनी होती है मैंने वो जस्ट ओवर व्यू बताया कि ये होल सेल की प्रोडक्ट किस तरह से है कि होल सेल यानी ये ब्रांड है और ये ब्रांड इन तमाम सेलर्स को मीट टू करने के परमिशन दे रहा है तो इस मॉडल को हम होल सेल मॉडल कहते हैं अदर देन डैट वो प्रोडक्ट जहाँ पे ये हमें शो ना हो तो वो सिंगल ही सेलर सिर्फ ब्रांड ही सेल आउट कर रहा हो तो वो प्राइवेट लेवल की प्रोडक्ट होती है उसके बाद ये देखिए ऐड टू कार्ड का बटन होता है ये देखिए बाय बॉक्स ऐड टू कार्ड का बटन ये सेलर शो हो रहे हैं मी टू करके बैठे हैं पांच सेलर और ये बाय बॉक्स का बटन है तमाम अब ये पांच सेलर हैं इन तमाम की फाइटिंग इस बाय बॉक्स बटन के लिए होनी है हर एक की कोशिश होनी है मुझे मिल जाए ठीक है तो ये फाइटिंग आप इन, इन्होंने स्ट्रगल करनी है कि हमें बॉक्स मिल जाए तो ये चीज़ है कि आ, होल सेल मॉडल में ना ये सबसे बड़ी बात ये होती है कि बाय बॉक्स को विन करना और पहला स्टेप होता है अप्रूवल लेना जब अप्रूवल ब्रांड से मिल जाए ना तो बाद से, बाद में सेकंड स्टेप होता है कि बाय बॉक्स को विन करना तो बाय बॉक्स के लिए ना डिफरेंट टैक्टिक्स होते हैं प्राइस कम की जाती है इवन दो ये देखें ऑर्डर डिफेक्ट रेट्स है कस्टमर सर्विस क्वालिटी है टाइम ऑन अमेजॉन कितना टाइम आपको होगा ये भी रिक्वायर करता है आपकी रेटिंग और रिव्यूज बहुत मैटर करते हैं तो इस वजह से ना और भी ये तो बहुत कम है और भी बहुत ज़्यादा फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पे ना हमें बॉक्स विन uh, करना होता है प्राइवेट uh, लेवल में अगर बात करें तो बायबॉक्स के हम आनर खुद धोते हैं हमें किसी डेफिनेटली uh, हम किसी और सैलर को मीट्यू करने की इजाज़त नहीं देते सो डेट्स वे हम बायक्स के आनर खुद धोते हैं और हमें क्या है कि हम किसी थर्ड पार्टी से प्रोडक्ट्स लेते हैं लेकिन अपने तौर पर एज अ ब्रांड बिल्डिंग उसको सेल आउट करते हैं अपनी मर्ज़ी का लोगो लगा के इसमें हमने लोगो लेबलिंग पैकेजिंग ये तमाम चीज़ें अपनी मर्ज़ी से करनी होती हैं मिसाल के तौर पर अगर मैं प्राइवेट लेबल कर रही हूँ इस प्रोडक्ट पर इस पर जो लोगो वगैरह लगाने हैं इसकी डिज़ाइनिंग करनी है वो अपनी मर्ज़ी से करूँगी अदर एंड डैट होल सेल में ये नहीं होता ब्रांड ने जिस तरह की प्रोडक्ट बनाई हो उसी से हमने लेके बाय करनी है सो so, हम फिर वहाँ पे अथॉरिटी नहीं हमें होती कि हम उसको चेंज करें हमने जो ब्रांड ने लगा दिया लोगो या जो ब्रांड ने डिज़ाइन लगा दिया उसी को सेल आउट करना है इसमें ज़रा ये है कि लोग प्राइवेट लेवल में ये चीज़ करते हैं कि नो no डाउट के बहुत ज़्यादा आपका एक्सट्रीमली यानी एक्सपेंसिव वे से तो ये काम चलता है लेकिन प्रॉफिट अच्छा है इसमें लोग क्या करते हैं कि एक से दो साल इस मॉडल को अच्छे तरीके से रन करके ना तो उसको आगे सेल आउट कर देते हैं यानी प्राइवेट लेवल को वो इस तरह से ना इसको अच्छा खासा लोग पी पे लेके जाते हैं इस मॉडल को इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिसडवाटेज़ uh, ये हैं कि डेफिनेटली इसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंडिचर लगाना पड़ता है फिफ्टीन के से नीचे तो काम ही नहीं चलता और इसमें आपको जो है ना वो डेफिनेटली एमज़ोन uh, uh, आपको अलो uh, नहीं करता इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एफर्ट लगती है इवन दो कि टाइम ये कहा जाता है कि होलसेल में तो आपको दो से ढाई मंथ लग जाते हैं लेकिन इधर आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है सिक्स से सेवन मंथ तो आपको अपनी लिस्टिंग को स्टेबल करने में लग जाते हैं उसके बाद पॉजिटिव रेटिंग को भी बाय करने में वो भी आपका एक्सपेंडिचर अलहदा से लगता है सो ऑर्गेनिक वे से रैंक होना हो तो बड़ा टाइम लग जाता है उसमें अब भी होल मॉडल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता एसन के आप अपने जो प्रोडक्ट एसन है उसके आप ऑनर तो नहीं होते और आप एग्जिस्टिंग ब्रांड के साथ चूँकि मीट उ कर रहे होते हैं सो so आपने वहाँ पर आपको जो है ना वो एक तो अप्रूवल लेने में हर्डल आती है सेकंड थिंग आपने यहाँ पे इसीलिए ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं लगता ठीक है थोड़े से एम के साथ भी आपका काम चल जाता है मिसाल के तौर पर बीस से पच्चीस पीस आप मंगवाएँ उसको सेल आउट करके एक्सपीरियंस करें इसमें ये चीज़ आ जाती है ना टाइम लीड भी इतना ज़्यादा नहीं आता टाइम भी कम लगता है इसमें ऑफ एप भी होलसेल में अगर बात करें तो ये डेफ़िनेटली uh, बॉक्स uh, के लिए हमें फाइटिंग करना पड़ती है स्ट्रगल करनी पड़ती है एवं दो कि हमने अप्रूवल लेने के लिए बहुत ज़्यादा ये uh, आपको ना ये लाइसेंस uh, लेना पड़ता है होल लाइसेंस ठीक है जिसको अप्रूवल कहते हैं अप्रूवल लेना होता है फिर उनसे ऑथराइज लेटर ले कर अमेजन को दिखाने होते हैं फिर अमेजोन अलाउ करता है आपको प्रोडक्ट परचेज uh, करने के लिए तो इस तरह से जी मुसरत आपका क्वेश्चन लेते हैं जस्ट ये थोड़ा सा रह गया वो हो जाए हमारा इसी लेक्चर में कवर देन इन शाला हम क्वेश्चन आंसर की तरफ आते हैं तो बताने का मकसद ये था कि इसमें होल सेल मॉडल में ना हमें इस तरह से बहुत ज़्यादा यानी कि अप्रूवल के लिए फर्स्ट स्टेप तो होता है अप्रूवल के लिए अप्रूवल के लिए हमें बड़ी एफर्ट लगानी पड़ती है उसके बाद सेकेंड स्टेप आ जाता है हमें अप्रूवल के बाद फिर हमने अमेज़ोन पे अच्छा खासा जो है ना वो बाय बॉक्स के लिए अच्छी खासी एफर्ट लगानी होती है हमें बाय बॉक्स मिल जाए बाय बॉक्स को विन करने के लिए डिफरेंट टैक्टिक्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट करके हमने बाय बॉक्स विन करना होता है ये तो हो गया एज एफ़ बी होल सेल मॉडल का जस्ट ओवर व्यू मैंने और डिफ्रेंसीशन क्लियर कट आपको बताया अभी अगर लेट्स पोस्ट के हम जाते हैं होल सेल एफ़ बी के मॉडल पर जाते हैं जी मुसरत आप क्वेश्चन करें मैम जी मेरा क्वेश्चन था कि ये होलसेल के हम कम से कम कितने पीस ऑर्डर कर सकते हैं कम से कम जो है ना वो आप 20 से 25 पीस के साथ चल सकते हैं तो मैम जी सब वो फिर मान जाते हैं इतने मतलब जिस ब्रांड के साथ हम मीटू करते हैं कि इतने पीस आप कम ले रहे हैं एग्जैक्टली exactly, वो मान जाते हैं इवन दो कि हमने जो है ना ब्रांड से अगर डायरेक्ट बाय करें ना तो हमें इतने पीस की अलो नहीं करता कि बीस से पच्चीस पीस लेकिन ब्रांड के ना ऑथराइज uh, वो होते हैं होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं हमने उनसे लेनी होती हैं प्रोडक्ट्स और मैम जी हम जिस ब्रांड के साथ मतलब करते हैं कि अगर वो हम प्रोडक्ट देख रहे हैं कि वो हमारे मतलब प्राइवेट लेवल के लिए भी देख रहे हैं बट उसके साथ वो मतलब पांच छह और भी सेल कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट अगर हमारे क्राइटेरिया पे मैच हो रही है प्राइवेट लेवल के लिए तो वो प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं प्राइवेट uh, लेवल की प्रोडक्ट अगर होल सेल के क्राइटेरिया को मीट कर रही है ना तो वो फिर होल सेल की प्रोडक्ट हुई हु, वो प्राइवेट लेवल प्राइवेट लेवल की तो उसको कह ही नहीं सकते तो डेफिनेटली उसको क्योंकि होल सेल का क्राइटेरिया मीट करना बहुत नेसेसरी होता है होल सेल के क्राइटेरिया को मीट करके हम प्राइवेट प्रोडक्ट पे जा सकते हैं तो अगर जैसे प्राइवेट लेवल के लिए क्राइटेरिया uh, होता है ना इसी तरह होलसेल के लिए भी क्राइटेरिया होता है जिसको हमने कंप्लीट uh, करके आगे मूव ऑन करना होता है ओके okay, मैम जी और मैम जी मेरा एक और क्वेश्चन था कि अगर हम यूट्यूब चैनल बनाना ये अमेजोन से रिलेटेड मतलब ये जैसे क्लासेस वगैरह होती हैं असिस्टेंट की तो वो फिर मैम चैनल बना सकते हैं हम चैनल uh, मतलब आपने अपने लिए बनाना क्रिएट करना है ठीक है ठीक है मैं समझ गई तो डेफिनेटली आप बना सकते हैं ओके okay, मैम जी थैंक्स वेलकम और इसमें बस ये है कि आप थोड़ी सी नॉलेज ग्रास्पिंग कर लीजिएगा कि आपका नॉलेज जो है वो अथेंटी authentic, अथेंटिफिकेशन पे आ जाए लाइक like आप कंप्लीट वे से ये ट्रेनिंग भी कर गई हो और इसके अलावा एक्सप्लोर नॉलेज हो तो डेफिनेटली आप उस पर बनाए जी ठीक है मैम जी थैंक्स जी वेलकम और किसी का को कोई क्वेश्चन यस मैम मैंने कुछ पूछना है जी जी

तो इट्स मीन कि अमेजोन भी उनके साथ लेकिन अमेजोन जिस भी लिस्टिंग में आएगा वो ब्रांड को भी लीड कर गया होता है यानी ब्रांड को पीछे छोड़ गया होता है तो इट्स मीन कि अमेजोन जहाँ पे होगा हमने उस प्रोडक्ट में जाना ही नहीं है और मैम ये आपने जैसे बताया हम ट्वेंटी थर्टी पीसेस पीसेस भी उसमें होलसेल के वो कर सकते हैं जी, जी तो उसे हम एफ करेंगे या एफ करेंगे

चलिए ठीक है और नेक्स्ट आपने क्लास ज्वाइन करनी है अगेन और उसमें फिर मैं आपको गाइड करूंगी जो हमारा रिमेनिंग पार्ट है इसका